वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक, हमेशा उमंग उत्साह में रहता था। और दामा जो था वो हमेशा नाराज होता रहता था। सुबह सुबह संदेश जब गुरुजी का पहुंचा तो रामा वॉज वेरी एक्साइटेड, आज गुरुजी मुझे क्या सिखाएंगे। और दामा हमेशा की तरह सुबह सुबह बुला लिया, अभी क्या बोलने वाले हैं। जब दोनों शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, क्या कहा, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग थ्योरी बट आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। सर क्या करना है? तो गुरुजी ने रामा और दामा को ना एक बास्केट दिया विद लॉट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। और गुरुजी ने कहा, आज आपकी सेवा ये है कि आपको गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है और ये रंग बिरंगे फूल गांव वालों को देना है। बस एक छोटा सा कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि आप ये फूल उसी को दे सकते हो जिनके चेहरे में मुस्कुराहट हो। क्या था कंडीशन दोस्तों? यस। रामा और दामा का एक घंटे का रामा वापस आ गया। अरे गुरुजी, व्हाट अ वंडरफुल सेवा, आई रियली एंजॉयड इट। गुरुजी ने कहा, दैट्स ओके बट वेयर इज योर फ्रेंड दामा? तो रामा ने कहा, गुरुजी उनके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, विल वेट फॉर हिम। दोपहर हो गई, दामा नहीं पहुंचा। सूर्यास्त हो गया तो भी दामा का अता पता नहीं। रात को दामा आए, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एजिटेटेड, इतने गुस्से में, इतने नाराजगी में। उनके हाथ में टोकरी भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे। गुरुजी के सामने टोकरी पटक दिया। क्या गुरुजी, कितना कठिन काम देते हो, आज के जमाने में किसी के चेहरे में मुस्कुराहट हो सकती क्या? सच अ टफ चैलेंजिंग टास्क। गुरुजी ने कहा, दैट्स वंडरफुल बट हाउ कुड रामा अकम्प्लिश हिज जॉब। तो रामा को बोला, रामा इधर आइए, आप अपना अनुभव सुनाइए कि आपने अपना काम इतना सहज कैसे कर पाए। तो रामा ने कहा कि जब वो गांव में जाते थे ना, सबसे पहले वो बहुत खुशी में रहते थे, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए गांव वालों को बुलाते थे, आइए आइए, गुरुजी ने आपके लिए रंग बिरंगे फूल दिए हैं। गांव वाले रामा का खिला हुआ चेहरा देखते थे, उनकी मधुर वाणी सुनते थे तो गांव वालों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी। और रामा क्या करता था, फटाफट सबके हाथ में फूल पकड़ा देता था। और दामा के साथ क्या हुआ, अगर किसी के चेहरे में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट होगी भी तो दामा का चेहरा देखकर मुरझा जाता था। अच्छा दोस्तों बताइए, हमें रामा बनना है या दामा बनना है? थोड़ा जोर से बोलिए। वाओ, थ्योरी में तो चंडीगढ़ वाले पास हो गए, लेट मी आस्क यू समथिंग प्रैक्टिकल। अच्छा, इस सभा में जितने भी जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जरा हाथ उठाए। वाओ, थैंक यू फॉर कमिंग, जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, बड़े जरा इनके लिए जोर से तालियां बजाइए, ये हमारे देश के भविष्य भारत रत्न है ना। वेलकम वेलकम। आप लोग सभी खुशी से आए ना कि मम्मा जबरदस्ती लेकर आई? थोड़ा बहुत जबरदस्ती था, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, खुशी से आई है, वेरी गुड वेरी गुड। यस, अब मैं आल आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, मुस्कुराते हुए जवाब देना। द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू माई डियर वंडरफुल यंग फ्रेंड्स इज, हर दिन जब आपके टीचर्स और आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, क्या दामा? माय गॉड। अच्छा, रामा जैसे हैं? ओह गुड गुड गुड। जो भी पढ़ाई करें, किस मेंटल कॉन्शियसनेस से पढ़े, राइट? तो एक बार मैं ऐसे ही प्रोग्राम करता, माँ कहती है, स्वामी भाई कुछ तो करो, इनका चेहरा हमेशा दामा जैसे हो जाता है। आज और कल में मैं आपको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, जाना मत, कल भी जरूर आना, ओके, बैठ जाइए बैठ जाइए, ठीक है, गुड। अच्छा, इस सभा में जितने भी बहनें और माताएं बैठे हैं, वो जरा हाथ उठाए, पूरा हाथ उठाइए, ओके, हाथ नीचे रखिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि हर दिन जब आप घर में जाकर, किचन में जाकर भोजन बनाते हो, तब आपका चेहरा कैसा होता है, रामा जैसे या दामा जैसे? अब बच्चे मामा का चेहरा देख रहे हैं। बच्ची बोल रही है, मम्मा का चेहरा दामा जैसे हो जाता है। सी गुड। अरे, इस सभा में जितने भी भाई लोग बैठे हैं, वो जरा हाथ उठाए, ऑल जेंटलमैन, गुड। अच्छा, बच्चों ने पढ़ाई कर ली है ना, माताओं ने भोजन बना लिया, भाई लोग क्या करेंगे? खाएंगे, बाकी सब तो काम हो गया है ना। और भाइयों के लिए प्रश्न ये है कि हर दिन जब आप भोजन करते हो, तब आपका चेहरा कैसा होता है, रामा जैसे या दामा जैसे? मुंबई में प्रोग्राम कर रहा था, एक भाई साहब खड़े होकर कहते, स्वामी भाई वो तो भोजन के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कभी कभी रामा होता है तो कभी कभी दामा हो जाता है। जीवन में कुछ भी करे ना, बहुत खुशी से करे, बड़े आनंद के साथ करे, दैट इज वन ऑफ द